हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एमके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2019 और आज के जितने भी शैक्षणिक समाचार है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चाहे आरपीएससी भर्ती हो, रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, सहायक अभियंता, इन सभी खबरों के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन है उसको दबाकर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर है सीटेट 3 अक्टूबर तक होगा जमा शुल्क। अगली खबर है निबंध, चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को पारितोषिक से नवाजा गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में टोंक में कार्यक्रम। नेक्स्ट खबर है विद्यार्थियों को दीपावली से पूर्व छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग। अगली खबर है महिला पैरा टीचर संघ ने दिया ज्ञापन। नेक्स्ट खबर है मतदाताओं को ऑनलाइन जोड़ने में दिक्कत हो तो ऑफलाइन जोड़े, राकेश जायसवाल ने यह बात बताई। अगली खबर है छात्र छात्राओं ने किया कक्षाओं का बहिष्कार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है प्रदेश में 20,000 से अधिक तबादले, विभागीय कर्मियों अफसरों की सूचियों के अपलोड का काम जारी, आज से स्थानांतरण पर प्रतिबंध। प्राचार्य के तबादले से गुस्साए विद्यार्थियों ने स्कूल पर जड़ा ताला। नेक्स्ट खबर है एक ही रात में प्रदेश में बदल डाले 8,000 शिक्षक। तो दोस्तों, देख सकते हो कितनी बड़ी ये ट्रांसफ़र की यहाँ पर सूची आई है। लगभग 8,000 शिक्षकों को तबादला कर दिया है। द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को यहाँ पर इंतजार के लिए कहा गया है। नेक्स्ट खबर है स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। नीति आयोग, विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों की पहली बार यह रैंकिंग जारी की है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर तक जेईई मेन जनवरी के आवेदन कर सकेंगे। अब तक 9,20,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पंजीकृत। अगली खबर है 1 फरवरी से पुराने एंड्रॉयड आईफोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। नेक्स्ट खबर की बात करें तो देख सकते हो 33 जिलों के 395 स्कूलों में पहुँचे भास्कर के 178 रिपोर्टर्स। 325 शिक्षक नहीं मिले, 2100 निवासी देरी से पहुंचे। अगली खबर है प्रशासनिक सुधार विभाग का छापा, सचिवालय के 71% अफसर कर्मचारी गायब, 301 उपस्थित रजिस्ट्रार रजिस्टर जब्त, नहीं लगने दी हाजिरी। नेक्स्ट खबर है कॉलेज शिक्षा में गंभीर बीमारी व विकलांगों का भी तबादला। अगली इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करते हैं। प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के 2 पेपरों में 300 में से 16 प्रश्न किए गए डिलीट, अंतिम उत्तर कुंजी में खुलासा। आरपीएससी ने प्राप्तांक भी जारी किए। पहले पेपर में 7 व दूसरे में 9 प्रश्न किए गए डिलीट और जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनमें से देख सकते हो कौन कौन सा प्रश्न डिलीट हुआ है। अगली खबर है रेलवे में 1.40 लाख पदों के लिए 2.43 करोड़ विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है 1,40,000 पदों की, उसमें लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। अगली खबर है तबादलों में गड़बड़ियाँ, बिना आवेदन पुरस्कृत शिक्षकों को बदला। अगली खबर है जयपुर सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा 2019, हज़ारों अभ्यर्थी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग। 26 सितंबर को ही हाईकोर्ट ने दिया है अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला। 9 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मिल रहा है महज 13 दिन का समय। तो दोस्तों, देख सकते हो जो सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा 2019 है उसके लिए जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए समय की यहाँ पर बहुत ही कम समय, मतलब बहुत कम दिया गया है, महज 13 दिन का समय दिया गया है। तो किस प्रकार से आप 13 दिन में मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर साफ साफ इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में अपना सवाल टाइप कर सकते हो, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।